मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी बहुत ही खुश होंगे, मस्त होंगे, तैयारी करने में व्यस्त होंगे। आज मैं आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। सभी बच्चों के मांग पर बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट किए थे कि सर जल्द से जल्द एडवांस मैथ स्टार्ट किया जाए। तो एडवांस मैथ में पढ़ना क्या क्या है, उसका मैंने एक 5 मिनट का छोटा वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ सिलेबस के रूप में। आज हम सभी स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहला टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एडवांस मैथ को ज़्यादा एडवांस ना बना दिया जाए। उसको ये मत सोचिए कि बहुत एडवांस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तरीका आपका बेहतर होना चाहिए और मैं बहुत ही बेहतर तरीका से आपको समझाना। जो विद्यार्थी नए से नए हैं, कभी भी नहीं वो पढ़े एडवांस मैथ, बिल्कुल जीरो है, वो कॉपी पेन लेके, टोटल विद्यार्थी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। मैं इतना नोट्स भी लिखाता हूँ ताकि आप पूरे बढ़िया से अच्छे तरीके से नोट्स बना सकते हैं। आप अपने दोस्तों को आप चाहें तो पढ़ा सकते हैं, उनको बता सकते हैं और आपका भी बिल्कुल क्लियर होते चला जाएगा। तो आइए हम सभी स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल कुछ नहीं जानते तो भी आपको 100% समझ में आएगा। आप सिर्फ रेगुलर वीडियो को देखिएगा और नोट्स तैयार करते जाइएगा, क्लियर है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे हम लोग, त्रिकोणमिति। अब ये ट्रिगोनोमेट्री है क्या, त्रिकोणमिति है क्या, कोई अनजान जंतु नहीं है ये, आप पहले से इसको जान रहे। 9th-10th में आप बेहतर ढंग से इसका अध्ययन किए होंगे, भले आप भूल गए, ध्यान नहीं दे पाए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप नहीं भी कुछ भी नहीं भी पढ़े तो बेहतर ढंग से मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल फुल कंसेप्ट। और साथ ही साथ अभी हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे ताकि हमें सेकेंडों में बन जाए। तो जो भी विद्यार्थी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही बेहतर मौका है। आप रेगुलर हमारे साथ बने रहिएगा, बिल्कुल आपका फ्री में पूरा तैयारी करवाया जाएगा। तो आ जाइए, सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति है क्या। तो त्रिकोणमिति की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ट्राइगोनिया और मेट्रॉन से हुआ है, मतलब त्रिकोणमिति तीन शब्दों से बना हुआ है, ट्राइगोनिया और मेट्रॉन से। तो ट्राइ के मतलब होता है तीन, नाम से ही पता चल रहा है, गोनिया के मतलब कोण और मेट्रॉन के मतलब माप। मैंने यहाँ पे नोट्स लिख दिया, आप चाहे तो कॉपी में लिखते चलेंगे, ठीक है। वीडियो को मान लिया जाए देर हो रहा है तो वीडियो को पॉज कर करके लिखते चलेंगे, एक दो बार वीडियो देख लेंगे। फिर से ट्रायगोनोमेट्री ग्रीक शब्द ट्राइगोनिया मेट्रॉन तीन शब्दों से बना हुआ है, जिसका अर्थ तीन कोण माप होता है। यहाँ पे लिख दिया अर्थात ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ तीन कोणों का माप होता है। ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ क्या होता है, तीन कोणों का माप, क्लियर है, क्लियर समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आइए, त्रिकोणमिति है क्या, उसका एक छोटा सा मैंने डिफिनेशन दे दिया है, हालांकि जरूरी नहीं लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तो बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्री गणित की वह शाखा है जिसमें किसी त्रिभुज के कोणों एवं भुजाओं के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी त्रिभुज के कोणों एवं भुजाओं के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, किसी त्रिभुज के कोणों, लेकिन मैक्सिमम रूप से समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। इसलिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा कि त्रिकोणमिति में अधिकतम समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं कि समकोण त्रिभुज है क्या, आप पहले से भी जान रहे, नाम से ही पता चल रहा है, समकोण मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। बेहतर ढंग से आप ज्योमेट्री में भी पढ़िएगा, त्रिभुज ट्रिगोनमेंसुरेशन में भी पढ़िएगा। यहाँ पे आइए, समकोण त्रिभुज है क्या, तो पाइथागोरस का नाम सुने होंगे आप, तो एक यूनानी गणितज्ञ थे, थेल्स, उन्हीं का सबसे प्रसिद्ध, सबसे बेहतर, सबसे विद्वान चला हुए पाइथागोरस। पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया जो आप पढ़े भी होंगे 9th-10th में। इन्होंने बोला कि जब किसी त्रिभुज के, मैं लिख नहीं रहा हूं सिर्फ बोल रहा हूं, जब किसी त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब स्क्वायर का वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज होगा। इसका उल्टा भी आप सोच सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, और उस बड़ी भुजा का नाम इन्होंने कर्ण दिया। 90 डिग्री के सामने वाला को बड़ी भुजा कहते हैं और इसका नाम कर्ण दिया। कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, एच से सूचित कर सकते हैं, यहाँ थीटा, ये वाला थीटा है, तो थीटा के सामने जो रहेगा उसको परपेंडिकुलर या लंब बोलेंगे। यदि ये थीटा होगा तो ये वाला लंब हो जाएगा, एकदम कंसेप्ट क्लियर रखिए। ये थीटा है तो ये लंब होगा, ये थीटा रहेगा, ये अल्फा यदि हम देते हैं तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा।
तो थीटा के सामने वाला लंब 90 के सामने वाला कर्ण जो शेष बन जाएगा उसको बेस कहेंगे आधार नीचे। क्लियर? आधार ये भी हो सकता है यदि एंगल ये होगा तो। क्लियरली समझ में आया? तो समकोण त्रिभुज क्या है? तो वैसा त्रिभुज जिसके दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो। समकोण त्रिभुज किसका कहना था? पाइथागोरस का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीबीआई, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री के लिए नहीं, ट्रिगोनोमेट्री के लिए तो है, मेंसुरेशन के लिए, ज्योमेट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल होने वाला है। तो इसको अभी मैं डिटेल में देखता हूं, लेकिन ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब पढ़े थे 90th में, तो हाइपोटेनस को एच से, परपेंडिकुलर को पी से, बेस को बी से सूचित कर रहे थे। हम लोग सीधा सीधी हिंदी में एकदम टेट में अपने भाषा में के से कर्ण लिखेंगे, यहाँ एल से लंब और ए से आधार, ए से आधार, एल से लंब, के से, बिल्कुल हिंदी में। जैसे इंग्लिश वर्ड से हम लोग कुछ भी हिंदी वर्ड देखते होंगे, चैट करते हैं आप तो कुछ भी लिख देते हैं, करे खाए पिए कुछ भी, उसी प्रकार से हिंदी में एकदम बिल्कुल आसान समझ में आएंगे। लंब आधार कर्ण, 90 के सामने वाला कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब, और जो बेस बच गया आधार। पाइथागोरस का कहना था दो छोटी भुजा, तो छोटी भुजा लंब आधार चेंज होते रहेगा, कर्ण फिक्स हो गया तो हो गया। क्लियर है? क्लियर समझ में आ गया होगा? फिर से देख लीजिए, ट्रिगोनोमेट्री तीन शब्दों से बना, ट्राइगोनियर मेट्रॉन से, इसका अर्थ होता है तीन कोणों का माप। यह गणित का वैसा शाखा है जिसमें कोण और भुजाओं का संबंध अध्ययन किया जाता है, अधिकतम समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में पाइथागोरस जी अभी आपको इसके बाद विशेष रूप से बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। आइए अब हम सभी विशेष रूप से डिटेल में देखते हैं पाइथागोरस ट्रिक। पाइथागोरस ने ही समकोण त्रिभुज का थ्योरी दिया कि कोई समकोण त्रिभुज किसी त्रिभुज के समकोण होने का क्या सिद्धांत है। फिर से मैं उसको देख लेता हूँ, लिखता नहीं हूँ, आप सिर्फ समझिए। पाइथागोरस जी का कहना था कि किसी त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है तो समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में आप जान रहे हैं एक को 90 डिग्री होता है, 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, थीटा के सामने वाले को लंब, और जो शेष बच गया आधार, ये दोनों एंगल के अनुसार चेंज हो सकते हैं। यदि ये एंगल होगा तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार कर्ण है जो कर्ण ही रहेगा। पाइथागोरस जी का कहना था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में लिख रहे हैं, इनका कहना था कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी हम लोग सीधे अपने भाषा में एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। अब इतना आप बच्चे तो है नहीं कि इतना फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, या इतना आपके समय पास समय है नहीं कि आप फॉर्मूला से बार बार लंब आधार कर्ण ज्ञात करिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक, बहुत ही आसान, और इतना इंपॉर्टेंट कि पूरा एडवांस मैथ में काम आने वाला है। बल्कि आप मेंसुरेशन पढ़िए या ज्योमेट्री पढ़िए, ट्रिगोनोमेट्री पढ़िए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए, आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि सिर्फ कर्ण आपको ज्ञात करना, या पहले कर्ण ही लिख दीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सिर्फ कर्ण चाहिए तो ये स्क्वायर हटेगा, तो उधर रूट हो गया, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। या आपको सिर्फ आधार चाहिए तो रूट अंडर, जब आधार चाहिए तो कर्ण में लंब जाके घर जाएगा, तो आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, एंड लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये तो जानने की कंसेप्चुअल बातें हैं, लेकिन हमारे पास जनरल कंपटीशन में, ऑनलाइन एग्जाम में उतना समय आपको नहीं मिलता है कि आप आराम से इस प्रकार से रूट करके दो तीन चार लाइन में आप लंब आधार दे रहेगा तो कर्ण ज्ञात करिए, बिल्कुल नहीं आप कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं, इसको ध्यान देना है। मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, नोट्स बनाना है तो बना सकते हैं। मैं यहाँ पे लम लिख देता हूँ, यहाँ पे आधार और यहाँ पे कर्ण, इसको जय बार बीबी बीबी आई कर दीजिए उतना कम, क्योंकि पहले ही बता दिया है कि पूरा एडवांस मैथ में इस्तेमाल होने वाला है, और आप कोई भी सेट मारिए उसमें इसका इस्तेमाल हो जाएगा। क्लियर है? तो आ जाइए पाइथागोरस में, हम लोग ये फॉर्मूला तो ध्यान रखेंगे, ये कंसेप्ट है, लेकिन क्या याद रखेंगे कि तुरंत हमें लंब आधार देखेंगे कर्ण पता चल जाएगा, कर्ण लंब देखेंगे आधार पता चल जाएगा, या कर्ण और आधार दिया हुआ है लंब पता चल जाएगा। तुरंत एकदम देखते ही क्वेश्चन देखेंगे, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं, सिंपल तरीका से। तो मैं यहाँ पे 6 पॉइंट देता हूं, 99% इसी के बारे में पूछा जाता है, कुछ ही रूट में आता है।
तो आप देख सकते हैं पहला है तीन चार पांच, मतलब लंब आधार तीन चार हो सकते हैं लेकिन कर्ण पांच रहेगा। लंब हो सकता है लंब चार आधार तीन हो जाए, तो इसमें डायरेक्ट याद रखेंगे तीन चार पांच, इस प्रकार से तीन चार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। माने लंब आधार तीन चार मालूम है तो कर्ण तुरंत माइंड में आ जाएगा पांच। इसके साथ इसको आप दो गुना तीन गुना चार गुना पांच गुना जितना गुना करेगा सब में पाइथागोरस लगेगा। इसको आप दुगना भी कर सकते हैं चाहे तो, छ आठ दस, या इसको तिगुना भी आप कर सकते हैं नौ चार तिया बारह पांच तिया पंद्रह, सब में पाइथागोरस लगेगा। और नहीं तो आप देख सकते हैं सब में पाइथागोरस लगेगा, आपको दुगना करना है सिर्फ। ये तो एक हो गया, इसको दुगना तीन गुना चार गुना पांच गुना सब में पाइथागोरस लगे, तो आपको ध्यान रहेगा तीन चार पांच। मान लिया जाए कर्ण पांच दे दिया लंब चार, तो तुरंत माइंड में आ जाएगा तीन चार पांच आधार तीन हो गया। क्लियर है? तो ध्यान रखना है तीन चार पांच। अब इसको दुगना तिगना जय गुना करिए सब में पाइथागोरस लगेगा, छह आठ दस नौ बारह पंद्रह आपकी मर्जी है, ध्यान रखिए बिल्कुल। आइए दूसरा आपको ध्यान रखना है पांच बारह, पांच बारह तेरह, पांच बारह तेरह इसमें भी पाइथागोरस लगते हैं। पांच बारह तेरह लंब पांच आधार बारह कर्ण तेरह, ये दोनों चेंज हो सकते हैं, बार बार मैंने आपको बता दिया है। इसको भी दुगना तिगना आप कर सकते हैं पाइथागोरस लगेगा। तीसरा आ जाइए आठ पंद्रह सत्रह, आठ पंद्रह सत्रह आप करके देख लीजिए। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, आठ का स्क्वायर चौसठ, पंद्रह का स्क्वायर दो सौ पच्चीस, दो सौ पच्चीस चौसठ जोड़िएगा दो सौ नवासी, सत्रह का स्क्वायर दो सौ नवासी, तो आठ पंद्रह सत्रह, चौथा याद रखिएगा सात चौबीस पच्चीस, सात चौबीस पच्चीस, पांचवा याद रखिएगा नौ चालीस इकतालीस, और छठा याद रखिएगा बीस इक्कीस उन्तीस। बाकी बहुत सारे लेकिन मैंने बोल दिया 99% यही छेबों में से इस्तेमाल होगा, उसमें सबसे ज्यादा तीन चार पांच, पांच बारह तेरह, और यदि आप शंकु ये सब पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा सात चौबीस पच्चीस का इस्तेमाल होता है। एकदम आप देख लीजिएगा, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन सोल्यूशन कराऊंगा बिल्कुल, आप विश्वास करिए। तो ये छेबों को आपको एकदम रट जाना है, याद कर जाना है चार पांच बार। आप मेरे साथ भी बोल सकते हैं पहला तीन चार पांच, तीन चार पांच, इसको दुगना तिगुना चार गुना जय गुना करिए, इसलिए बता दिया कि इसी तरीका से इस सबको भी आप कर सकते हैं, सब में पाइथागोरस लगे। तीन चार पांच छह आठ दस नौ बारह पंद्रह, फिर है पांच बारह तेरह, आठ पंद्रह सत्रह, सात चौबीस पच्चीस, नौ चालीस इकतालीस, बीस इक्कीस उन्तीस। इसको याद रखने से फायदा यह है कि मेंसुरेशन में क्वेश्चन आता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके भुजाएं कर्मागत संख्याओं के रूप में होते थे। देखिए तीन चार पांच यही है वो एकलौता है जो तीन चार पांच बैठ रहा है कर्मागत, तो ध्यान रहेगा तब तो। फिर से पहला तीन चार पांच, दूसरा याद रखेंगे पांच बारह तेरह, तीसरा आठ पंद्रह सत्रह, चौथा सात चौबीस पच्चीस, नौ चालीस इकतालीस, और छठा बीस इक्कीस उन्तीस। इसको आप बढ़िया से लिख के तीन चार पांच बार बोल के पूरा याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसा बेस है जो आने वाला टोटल टॉपिक में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्लस ट्रिगोनोमेट्री में तो स्टार्टिंग से बेस ही ये है लंब आधार कर्ण, तो ये जानना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं आपको पूरा समझ में आया होगा। तो ये तो आपका हो गया जनरली रूप से जो संख्याओं का पाइथागोरस। क्लियर है? संख्याओं का पाइथागोरस आपने सीखा, ये सिर्फ यहां ही नहीं इंपॉर्टेंट होगा, आगे आने वाला समय में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। फिर से बोल रहा हूँ तीन चार पांच, पांच बारह तेरह, आठ पंद्रह सत्रह, सात चौबीस पच्चीस, नौ चालीस इकतालीस, बीस इक्कीस उन्तीस। तो मैं उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया होगा पाइथागोरस। तो इसके बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री को और बेहतर ढंग से अलजेब्रिक पाइथागोरस को और प्लस त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में ये जो साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट जो ये जो छह आए हैं, छह जो त्रिकोणमिति निष्पत्तियां हैं जिसको आप बोल सकते हैं, ये कहां से आए, कैसे बने, इसका हिंदी क्या होता है, इसको मैं डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा के उसका पूरा फॉर्मूला को हम लोग किस ढंग से याद करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में छोटा छोटा वीडियो देता हूं, लेकिन डेली आपको अवेलेबल होगा, आपका तैयारी बेस्ट होगा। आप हमारे साथ बने रहिए, आपने वीडियो को अंत तक देखा अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, फैला दीजिए ताकि सबका बेस्ट तैयारी हो और सभी सक्सेस हो। बेस्ट ऑफ लक।